दिलजीत कौर, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। निशुल्क विद्युत कनेक्शन देने में लाभार्थी से 25-25 मीटर तार देने पर भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने लिया संज्ञान। प्रकरण की जांच के लिए सीडीओ को दिया निर्देश। स्कूली बच्चों की मौत से सहमा गोरखपुर, शुक्रवार को खुद ही गार्जियन लेकर पहुंचे अपने बच्चों के स्कूल, कहा डर लगता है अब स्कूली ड्राइवरों से। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समारोह के जिलाधिकारी ने की समीक्षा, विधि विधान से विवाह संपन्न कराने के दिए निर्देश। पूर्वोत्तर रेलवे की 3 सदस्यीय टीम करेगी कुशीनगर घटना की जांच, 9 दिनों के भीतर देगी रिपोर्ट, CPRO संजय यादव ने दी जानकारी। सिटी मॉल में ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को दी यातायात नियमों की जानकारी, SP ट्रैफिक ने कहा थोड़ी सी लापरवाही बन सकती है दुर्घटना का कारण। जिलाधिकारी ने BRD मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण, निर्माण कार्यों के धीमी गति पर जताई नाराजगी। अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन है जारी, DM को सौंपा ज्ञापन। 13 बच्चों के दर्दनाक मौत की पेंटिंग के माध्यम से दी गई श्रद्धांजलि, चित्रकार ने उकेरा मार्मिक घटना का सजीव चित्रण। एक महिला सामाजिक संगठन के सदस्यों ने मोमबत्ती जलाकर कुशीनगर घटना में मारे गए मासूम बच्चों को दी गई श्रद्धांजलि। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कलेक्ट्रेट सभागार में मतदाता पंजीकरण तथा सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को दिया गया प्रशिक्षण। ऑल इंडिया गाइड काउंसिल के पूर्वोत्तर रेलवे के जोनल पदाधिकारी का हुआ चुनाव संपन्न। प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आदर सत्कार के साथ की गई शब्द और अरदास। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के छात्र छात्राओं को दी गई विदाई। उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक RP सिंह ने किया ऐलान, खिलाड़ी खेल में दिखाई अपनी प्रतिभा, मिलेगी अच्छी नौकरी और सम्मान। और अंडर-19 सेलेक्शन मैच में गोरखपुर ए ने देवरिया को 2 विकेट से हराया। और अब खबरें विस्तार से। सौभाग्य योजना के अंतर्गत निशुल्क विद्युत कनेक्शन देने में लाभार्थियों से 25-25 मीटर तार लेने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने दिया है। उरवा ब्लॉक के भवानीपुर गांव में ग्राम स्वराज योजना के तहत आयोजित चौपाल में मंत्री ने प्रकरण की जाँच हेतु CDO को निर्देश दिया। सौभाग्य योजना की समीक्षा में उन्होंने पाया कि गांव में मात्र 13 कनेक्शन दिए गए हैं, जबकि शिव प्रताप शुक्ला ने लाभार्थियों को बुलाकर पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि कार्यदायी संस्था ने 25-25 मीटर तार उनसे लिया है, जबकि कनेक्शन में मीटर एवं 40 मीटर तार निःशुल्क है। उनके पूछताछ करने पर अधिशासी अभियंता संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना, मुद्रा योजना, स्टैंडअप योजना तथा जीवन ज्योति योजना बीमा की समीक्षा किया तथा निर्देश दिया कि गांव में कैंप लगाकर पात्र व्यक्तियों का अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी का कार्ड बनवाए। ग्रामीणों ने बताया कि राशन समय पर मिल जाता है, इसके साथ ही उन्होंने मनरेगा, NRLM एवं अन्य योजनाओं की समीक्षा किया। उज्ज्वला योजना में गैस एजेंसी द्वारा 54 लाभार्थियों की संख्या बताया, पर मौके पर एक भी लाभार्थी उपस्थित नहीं मिला। उन्होंने निर्देश दिया है कि सूची उपलब्ध कराए ताकि उसका सत्यापन किया जा सके। गुरुवार को कुशीनगर के दुधई में ट्रेन की चपेट में आने से स्कूली वैन में सवार 13 बच्चों की मौत ने कुछ ऐसा असर दिखाया कि शुक्रवार को सुबह का नज़ारा ही बदल गया है। गार्जियन खुद ही अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने निकल पड़े। पेश है हमारे गोरखपुर न्यूज संवाददाता सतीश गुप्ता की विशेष रिपोर्ट। कुशीनगर में दिल को दहला देने वाली 13 बच्चों की अचानक स्कूल जाते समय ट्रेन की स्कूली वैन से हुई टक्कर से मौत हो गई। कलेजे को चीर देने वाली खबर जब अपना पांव पसारना शुरू की तो पूरे देश में इस दर्दनाक हादसे की गूंज घरों तक पहुंची और न जाने कितने दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। इस हृदय विदारक घटना को देखते हुए अगले ही सुबह यानी शुक्रवार को गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों के माँ बाप के चेहरे सहमे हुए दिखे। बच्चों की मौत की चीख ने इतना ज़्यादा इंसानी जहन में असर किया, इसी का एक नज़ारा आज स्कूल छोड़ते हुए माँ बाप की आंखों में दिखाई दिया। ये वो गार्जियन हैं जिनके बच्चे या तो स्कूली
बस से जाते हैं या फिर वैन से। कल की हुई घटना से इतना ज्यादा सहम गए हैं कि इनका भरोसा अब स्कूली इंतजामात से उठ चुका है। आज गोरखपुर महानगर में अधिकांश गार्जियन अपने बच्चों को अपने साथ अपने साए में महफूज रखते हुए स्कूल छोड़ते नजर आए। सभी का भरोसा स्कूली बसों के ड्राइवरों से उठता दिखाई दे रहा है। चूंकि 24 घंटे पहले की ये घटना है, इसलिए हो सकता है अभी कुछ दिन तक इसका असर उन माँ बापों के जहन में घर कर गया हो जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं। मगर इसका दूसरा पहलू ये भी है कि सिर्फ ये सावधानी किसी दुर्घटना के बाद नहीं बल्कि हर दिन की होनी चाहिए। अगर आप गार्जियन हैं तो आपकी ये पूरी जिम्मेदारी होती है कि आपका बच्चा कैसे और किस तरह के वाहन से स्कूल जाता है, इसकी पड़ताल आपको करनी ही पड़ेगी। नहीं तो दुदही कुशीनगर जैसी घटनाएं आए दिन होती रहेंगी और यूं ही कलेजे को छन्नी करते रहेंगी। अपने कलेजों के टुकड़ों को अपने सीने से चिपकाकर स्कूल छोड़ने आए कुछ गार्जियनों से हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कुछ इस तरह से इसके बारे में कहा। कितने लोग जाते हो तुम लोग एक टेम्पो से? 6 लोग जाते हो। ये डेली 6 लोग जाते हो या फिर और दिन ज्यादा बच्चे? कभी कभी 7 और कभी कभी 8। कभी कभी 8। 8 बच्चे हो जाते हैं कभी कभी? हाँ, या सुबह से हम स्कूल आते हैं तब होने जाते हैं। सुबह के समय? हाँ, 8 बच्चे तक हो जाते हैं। कभी-कभी। सारे विद्यालय बंद हैं, लेकिन हो सकता है इनके यहाँ विद्यालय कल, क्योंकि पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, उसके कारण हो सकता है कि आज इन लोगों ने ना बंद किया हो, क्योंकि कल फिर परसों संडे और मंडे बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी है, उसके कारण इन्होंने विद्यालय आज खोल रखा होगा। तो एक छोटा बेटे को तो मैं ले जाता हूँ, एक बड़ा बेटा है उसको आज क्योंकि कल की इतनी हृदय विदारक घटना रही और जो वैन और हाल है आज की डेट में ऑटोज का, उसमें 5 या 10 बच्चे 7 बच्चों की कैपेसिटी है और 14 बच्चे बैठाए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें मुझे लगी तो मैंने ये सोचा कि आज से मैं अपने बड़े बेटे को भी ले जाऊंगा और ले आऊंगा। पहले टेम्पो से आता था? हाँ, बड़ा बेटा टेम्पो से आता, छोटे वाले को तो आज भी लाता हूँ मैं अपने ही। लगे आप? एक चिंता, एक मना स्थिति इस प्रकार की नहीं थी कल की हृदय विदारक घटना को देखते हुए कि मैं आज खुद लेने आया हूँ स्वामी बच्चे को। वहीं इसके बारे में SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि ये गार्जियनों की सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि उनका बच्चा किस तरह से स्कूल जाता है, इस पर उनको नजर बनाई रखनी पड़ेगी। इस बारे में उन्होंने आगे बताते हुए कहा, हमारी अभी गोरखपुर से बात हुई है, हम लोग बैठ के स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं कि हम लोग क्या करना है, किस प्रकार की सभी जो है गाड़ियाँ फिटनेस युक्त हों और किसी प्रकार का टेक्निकल डैमेज ना हो और सही तरीके से गाड़ी चले जिससे कोई दुर्घटना ना हो। तो अभी हाल में कुछ गाड़ियों का फिटनेस चेक भी हुआ था, इस तरह फिटनेस चेक करने का क्या अभियान चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। तो उन ड्राइवरों से उस स्कूल वालों से क्या कहेंगे कि जो बस चलवा रहे हैं या ऑटो से बच्चों को? ड्राइवरों और ऑटो वालों से तो कम अनुभव है, हमारा गार्जियन से ज़्यादा अनुभव है, क्योंकि वो देखते हैं कि उनका बच्चा ओवरलोडेड वाहन में जा रहा है, तो उनको ये देखना चाहिए कि हम ऐसे वाहन का इस्तेमाल करें या ऐसे साधन का इस्तेमाल करें जिससे ओवर क्राउडिंग ना हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 15 से 15 बच्चे वाले जो आप उसको बायकॉट करिए, आप उस ऑटो वाले के साथ में बच्चे को भेजिए जो 6 या 7 सवारियाँ ले जाए, आप ऑटो वाले से डील करिए सर, बाकी काम तो हम लोग चेकिंग करने का है। लेकिन समस्या इस बात की, अगर 12 सवारी लेकर बच्चे जा रहे हैं, हम कहाँ पर उनको उतार के उसका चालन करेंगे? तो इस चीज़ को उस एंड पर भी उनको देखना पड़ेगा और हम लोग भी अपने चेकिंग वाले स्तर पर देखेंगे, दोनों तरफ से कोऑर्डिनेशन जरूरी है। मतलब अभिभावक को जागरूक होने की जरूरत है? अभिभावक को भी जागरूक होने की जरूरत है कि मतलब ये बच्चा जा रहा है कैसे, कोई दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी? 10 बच्चे चले जा रहे हैं, क्या आप गार्जियंस नहीं देख रहे हैं? उनको भी देखना चाहिए, बाकी हम लोग भी जहाँ देखेंगे उसको कार्रवाई करेंगे, लेकिन गार्जियंस को भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। कल की घटना देखा जाए तो ड्राइवर को ईयरफोन लगा करके गाड़ी चलाते पाया जाए, क्या इस तरह की
ये आप कार्रवाई कर रहे हैं? हम लोगों ने यहाँ पे अभी लोगों से अनुरोध किया कि आप लोग ईयरफोन लगा के ड्राइविंग मत करिए, चाहे दो पहिया वाहन हो, चाहे चार पहिया वाहन हो, चाहे तीन पहिया वाहन हो। इस विषय भी हमने लोगों को जागरूक किया और हम लोग पॉइंट टू पॉइंट इसको जागरूकता करते रहेंगे। ये शायद वो ड्राइवर अगर जिम्मेदारी के साथ गाड़ी चलाता तो इतने घरों के दिए एक साथ नहीं बुझते। अगर वो ड्राइवर अपने कानों में ईयरफोन लगाए गाना नहीं सुनता तो बच्चों की कलेजे को फाड़ देने वाली चीखें हमें नहीं सुनाई देती। गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में 29 अप्रैल की होने वाली मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की तैयारी की बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एसएसपी शल्लभ माथुर, एसपी सिटी विनय सिंह, सीडीओ अनुज सिंह, एसडीएम सिटी रजनीश चंद्र, एसपी नॉर्थ रोहित सहमान, खजनी के विधायक संत प्रसाद, बासगांव के विधायक डॉक्टर बिमलेश पासवान, पूर्व विधायक राजेश त्रिपाठी, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव सहित अन्य जनप्रतिनिधि और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शादी समारोह से जोड़ों को दिए जाने वाले सामानों की गुणवत्ता, विवाह संपन्न कराने के लिए पंडित और मौलवी की व्यवस्था किए जाने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि विवाह योग्य जोड़ों की संपूर्ण जानकारी हासिल कर लें, किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए, विवाह को विधि विधान एवं रीति रिवाज से संपन्न कराए। उन्होंने समारोह को सकुशल संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। क्या हो गया ढंग से जांच कर लो, विधानसभा रीति रिवाज में 120 घंटे आपने व्यवस्था कर दी है, इसके माध्यम से भुगतान करने का प्रमाण पत्र दे रहे हैं सर। लड़की के पिता को जाएगा ना, लड़की के पिता या माता सिफारिश दिया जा रहा है और एक संस्था ने एक अटैची भी देने की बात कही। इसके अलावा हम लोग पौधे भी दे रहे हैं, 500 पौधे की व्यवस्था हो गई है, क्योंकि अभी बात हुई कि उसमें कटहल और नींबू के कुछ पौधे आ गए थे तो उसको बात हुई तो उसको हटवा दिए सर। इसके अलावा भोजन की सभी की व्यवस्था है, वीआईपी के लिए अलग है, उस संतों के लिए उनके परिजनों के लिए भी अलग है। क्या लाइके भी व्यवस्था कर ये यथावत ये कोशिश भी करें, प्रधानमंत्री आवास में इन लोग कवर हो जाएंगे और आवास भी दिलाने के लिए इन लोग भी मकान के लिए पैसा देते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं बंद रहेगा, फिर देरी होगा, सब होगा, सारे हम आपने जब इसमें योजना भी लिस्ट दी है, 16 तरह का योजना, उसमें बिजली का आपूर्ति करना है, सिलेंडर देना है, फिर उसके बाद फिर ताता खोलना है, इसी में कोई योजना है। उसमें क्या है उसको सूची हम लोग परिवार वाइज चार्ट के पहले घर घर जाएंगे, हम सर्वे उसको सूची बना दिए किन के पास ताता नहीं है, वो सूची हमने बैंक वाले को बना। अब बैंक वाले कैंप लगाएंगे, सबको बुलाएंगे, तो एक एक करके हर योजना का अनुमोदन बिजली के लिए एक सी एन साहब बिजली विभाग का, और जो ऊर्जा के लिए जो गुरुवार की कुशीनगर में दुधई रेलवे स्टेशन के समीप मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन और स्कूली वैन की टक्कर में हुई 13 स्कूली बच्चों की मौत के मामले में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने 3 ग्रेड अधिकारियों की एक जांच कमेटी बनाई है जो घटना के 9 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव ने बताया कि घटना की जांच के लिए रेलवे ने कमेटी गठित की है तथा जिस मानव रहित क्रॉस
क्रॉसिंग पर घटना हुई है उस पर एक साल पूर्व 2017-18 में एक लिमिटेड हाइट सर्वे का काम चल रहा है। उन्होंने बताया, ये कल की घटना चूंकि सीरियस घटना थी, इस पर जो है महाप्रबंधक महोदय ने एक 3 जे ग्रेड सदस्य, जे ग्रेड के अधिकारी लेवल के अधिकारियों की 3 सदस्यीय इंक्वायरी कमेटी गठित की है, जो इंक्वायरी कर उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। इसमें डिप्टी CSO इंजीनियरिंग, डिप्टी CSO मैकेनिकल और डिप्टी CNM FYS, ये 3 लोगों की इंक्वायरी कमेटी है। इंक्वायरी कमेटी जो है अपना काम करके और घटना से 90 दिन के भीतर भीतर अपनी इंक्वायरी कमेटी GM साहब को प्रस्तुत करेगी। मानव रहित क्रॉसिंग था तो क्या उस पर भी कोई प्रपोजल बन रहा है उसको? उस पर मैं आपको बता दूं कि पहले से ही उस पर जो है पिछले वर्ष 2017-18 में उस पर लोकल वर्क्स प्रोग्राम में एक लिमिटेड हाइट सर्वे उस पर सैंक्शन हो चुका है। उसका एस्टिमेट और टेंडर का काम चल रहा है, शीघ्र इस पर वो सर्वे बना दिया जाएगा। रेलवे द्वारा जो भी मानव रहित क्रॉसिंग है उसके लिए क्या? देखिए, पूर्वोत्तर रेलवे पर इस समय बल्कि 1 अप्रैल 2018 को 633 कुल क्रॉसिंग थी, उसमें से 478 जो है वो बड़ी लाइन पर अनारक्षित संपार थे। इन अनारक्षित संपारों को बहुत ही जल्द और या तो उनको मैन कर दिया जाएगा या उनको समाप्त कर दिया जाएगा। घायलों के लिए जो रेलवे ने मुआवजा घोषित किया है, परिजनों के लिए जो मृत बच्चे हैं तो घायलों के लिए भी मुआवजा कुछ घोषित हुआ है? देखिए, इस तरह के केस में जो अनारक्षित संपार पर जो एक्सीडेंट है, इसमें नॉर्मली कोई भी राशि देय नहीं होती है, लेकिन मानवता के आधार पर माननीय रेल मंत्री जी ने सभी जो मृत बच्चे हैं उनके परिवारों को प्रति बच्चे 2 लाख रुपए की राशि सहायता राशि घोषित की है। गंभीर रूप से घायल को 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति प्रति बच्चा और मामूली रूप से घायल को 50,000 रुपये प्रति बच्चे राशि घोषित की गई। उस रूट पे जो ट्रेनों का आवागमन बाधित हुआ था, संचालन शुरू हो गया? ना, बिल्कुल, तो कल ही शुरू हो गया। कल शाम को 4:30 बजे ट्रैक फिट मिल गया, तो उसके बाद पहली गाड़ी जो है करीब 7 बजे करीब थी, तो बिल्कुल फिट गाड़ी है, ट्रैक है और यातायात नॉर्मल रूप से संचालित हो रहा है। यातायात विभाग द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को सिटी मॉल में लोगों को पंपलेट देकर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान SP ट्रैफिक ने लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए हेलमेट लगाने, सीट बेल्ट लगाकर चलाने सहित अन्य जानकारी दी तथा यातायात नियम का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि थोड़ी सी लापरवाही से बड़ी दुर्घटना घट सकती है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया, सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करिए। अभी हेलमेट लाए हैं? हेलमेट लाए? पीछे वाले का भी लगाना जरूरी है। आप भी ले लीजिए, जरूरत सभी को पड़ेगी हेलमेट। उनको बता दीजिए सभी लोग क्या किसमें आए हो। हम लोग जनता में यातायात के विषय में जागरूकता पैदा करने के लिए उनको समझाने का, उनको ट्रैफिक रूल्स के विषय में बताने का हर प्रकार से कोशिश कर रहे हैं। ये पंपलेट बांटना भी एक उसी प्रक्रिया के अंतर्गत, जिससे जनता जो है ट्रैफिक के विषय में जागरूक हो, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और स्वयं को दुर्घटना से बचाए, दूसरों को दुर्घटना से बचाए। 1 अप्रैल से चला रहे हैं इस अभियान और ये निरंतर चलता रहेगा। कब तक? हमेशा, रोज चलेगा। तो क्या कुछ इसका असर देखने को मिल रहा है? अब ये तो धीरे धीरे, चूँकि ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे असर करती हैं, लोग उसको पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं और उसके साथ दिखते हैं।
जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर वहां पर चल रही विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की समीक्षा तथा भौतिक सत्यापन किया। भौतिक सत्यापन में उन्होंने पाया कि पीजी हॉस्टल बॉयज एवं गर्ल्स हॉस्टल की प्रगति धीमी है, साथ ही मजदूर कम लगाए गए थे। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए एमडी समाज कल्याण को पत्र भेजने का निर्देश दिया तथा कहा कि हॉस्टल को प्रत्येक दशा में तैयार करते हुए अगले सत्र में स्टूडेंट को रहने योग्य बना दिया जाए। उन्होंने प्राचार्य मेडिकल कॉलेज को निर्देशित किया है कि मेडिकल कॉलेज से संबंधित कोई सूचना मुझे व्यक्तिगत रूप से अवगत कराएं एवं इसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना की जाए। भौतिक सत्यापन के दौरान 100 शैया का हॉस्टल जो आवास विकास निर्माण निगम द्वारा कराया जा रहा है, जो कि कार्य बिल्कुल नगण्य एवं मौके पर बंद पाया गया। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रबंध निदेशक आवास विकास एवं प्रमुख सचिव आवास विकास को पत्र भेजने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने अपर मुख्य नगर अधिकारी एवं मुख्य अभियंता नगर निगम को निर्देश दिया है कि आगामी बरसात के पहले मेडिकल कॉलेज परिसर में ड्रेनेज की समस्या को दूर कर दिया जाए। उन्होंने मेडिकल कॉलेज परिसर में सफाई व्यवस्था को देखते हुए मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं अपर नगर आयुक्त को निर्देशित किया है कि प्राचार्य मेडिकल कॉलेज को सफाई व्यवस्था हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करें। जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी अधिकारियों से कहा है कि प्रत्येक 15 दिनों में निर्माण कार्यों कि मेरे द्वारा समीक्षा की जाएगी तथा भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। इस अवसर पर प्राचार्य मेडिकल कॉलेज तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्री अधिवक्ता एसोसिएशन, दीवानी कचहरी बार एसोसिएशन और कमिश्नर कोर्ट अधिवक्ताओं का संयुक्त रूप से आंदोलन आज भी जारी रहा। आंदोलन के इसी क्रम में शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तब तक उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। बैठक में दीवानी कचहरी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिमन्यु पांडे, मंत्री प्रियानंद सिंह, अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी, मंत्री रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, दी कमिश्नर कोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश्वर शाही सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष के त्रिपाठी ने कहा, अधिवक्ता एसोसिएशन जिंदाबाद। इतने दिनों में निष्कर्ष जो है, जिला प्रशासन जो है वो अपने हठबाजता पर एकदम जो है अड़ा हुआ है, उसको उस निदान निकालने में अपना जो है मानहानि महसूस हो रही है। जिला प्रशासन को समझना चाहिए कि वह जिला प्रशासन जो है वह जनता के लिए बना है, जनता के हित के लिए है, और जनता के हित में जो है उसको अपने निर्णय में संशोधन भी करना पड़े तो भी उसको करना चाहिए। उसकी प्रथम दायित्व यह है कि वह जनहित में कार्य करे। की जा रही है, हमारी प्रमुख मांगे यह है कि गोरखपुर जनपद में 40 और 45 वर्षों तक के अधिवक्ता यहां पर उपस्थित हैं, जिनको याद आता है कि 40-45 वर्षों से अधिक समय से जो है यहां यह परंपरा रही है कि उप जिलाधिकारी प्रत्येक तहसीलों से आकर के जो है जिला मुख्यालय पर सप्ताह में 2 दिन न्यायिक कार्य करते थे। बाद के समयों में उनको 1 दिन कर दिया गया, वो प्रत्येक सोमवार को आकर बैठकर न्यायिक कार्य करते हैं और वह जो है उन बाध्यकारियों का ही बात केवल सुनते हैं जो जिला मुख्यालय पर मकान बना करके आवास जो है व्यवसाय करके नौकरी करके या निवास करते हैं और वह यही मुकदमे दाखिल करते हैं, उन्हीं की सुनवाई होती है। उन बाध्यकारियों के मुकदमे वह जो है तहसील मुख्यालय पर भेजने के लिए और उनको असुविधा प्रदान करने के लिए उनके मुकदमे यहाँ दाखिल न हो, उस हठबाजता पर अड़े हुए हैं। जबकि यही आजमगढ़ जिले में जो है यह व्यवस्था आज भी कायम है कि जिला मुख्यालय पर जो है एसडीओ लोग 2 दिन बैठते हैं। और इसके संबंध में मैं बताना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि आजमगढ़ जिले में 1990-91 के दौर में इसी तरह से एसडीओ लोग वापस भेज दिए गए थे, जिसमें जो है आजमगढ़ जिले के अधिवक्ता और आजमगढ़ जिले के अधिवक्ताओं के अलावा जिले के प्रदेश के तमाम अधिवक्ता संगठनों ने इस आंदोलन को जो है व्यापक स्तर पर किया और निर्णय लिया है कि हमारी परंपरा
बादकारी के हित में जब तक उप जिलाधिकारी के बैठने की व्यवस्था वह पूर्ववत बहाल नहीं रखी गई तब तक हम आंदोलन को जारी रखेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो हम इस आंदोलन को इस जिले से जो है ले जा करके मंडल स्तर पर और प्रदेश स्तर पर हम ले जाएंगे, लेकिन इस आंदोलन में जो है हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक अधिवक्ता जो है ये बादकारी के हित की इस व्यवस्था को पुनर्स्थापित नहीं करा लेगा तब तक आंदोलन जारी रखेगा। कार्यालय परिसर साइलेंट जोन के अंतर आता है और आप लोग यहाँ पे माइक लगा के नारेबाजी कर रहे हैं। क्या आप लोग यहाँ माइक लगा के नारे, कहीं ना कहीं उल्लंघन नहीं हो रहा इसका? नहीं, हम लोग जो है अपनी बात जो है लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। हम कोई बात जो है जो भी कर रहे हैं वो नियम कानून और लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। निशुल्क विद्युत कनेक्शन देने में लाभार्थी से 25-25 मीटर तार देने पर भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने लिया संज्ञान। प्रकरण की जांच के लिए सीडीओ को दिया निर्देश। स्कूली बच्चों की मौत से सहमा गोरखपुर। शुक्रवार को खुद ही गार्जियन लेकर पहुंचे अपने बच्चों को स्कूल। कहा डर लगता है अब स्कूली ड्राइवरों से। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समारोह की जिलाधिकारी ने की समीक्षा। विधि विधान से विवाह संपन्न कराने के दिए निर्देश। पूर्वोत्तर रेलवे की 3 सदस्यीय टीम करेगी कुशीनगर घटना की जांच। 9 दिनों के भीतर देगी रिपोर्ट। CPRO संजय यादव ने दी जानकारी। सिटी मॉल में ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को दी यातायात नियमों की जानकारी। SP ट्रैफिक ने कहा थोड़ी सी लापरवाही बन सकती है दुर्घटना का कारण। जिलाधिकारी ने BRD मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। निर्माण कार्यों के धीमी गति पर जताई नाराजगी। अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन है जारी। DM को सौंपा ज्ञापन। 13 बच्चों के दर्दनाक मौत की पेंटिंग के माध्यम से दी गई श्रद्धांजलि। चित्रकार ने उकेरा मार्मिक घटना का सजीव चित्रण। एक महिला सामाजिक संगठन के सदस्यों ने मोमबत्ती जलाकर कुशीनगर घटना में मारे गए मासूम बच्चों को दी गई श्रद्धांजलि। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कलेक्ट्रेट सभागार में मतदाता पंजीकरण तथा सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को दिया गया प्रशिक्षण। ऑल इंडिया गाइड काउंसिल के पूर्वोत्तर रेलवे के जोनल पदाधिकारी का हुआ चुनाव सम्पन्न। प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आदर सत्कार के साथ की गई शब्द और अरदास। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के छात्र छात्राओं को दी गई विदाई। उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक RP सिंह ने किया ऐलान। खिलाड़ी खेल में दिखाई अपनी प्रतिभा मिलेगी अच्छी नौकरी और सम्मान। और अंडर 90 सेलेक्शन मैच में गोरखपुर ए ने देवरिया को 2 विकेट से हराया। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। गोरखपुर न्यूज की तरफ से एक विशेष ऑफर, ऐश प्रा के शोरूम पे जाइए और जितने ग्राम के सोने के आभूषण आप खरीदेंगे उतने ही ग्राम के चांदी के आभूषण मुफ्त पाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलते हैं खबरों के अगले क्रम में। गुरुवार को कुशीनगर में हुए हृदय विदारक ट्रेन दुर्घटना में मारे गए बच्चों के लिए शुक्रवार को चेतना तिराहे पर इंदिरा गांधी प्रतिमा के सामने चित्रकार ने पेंटिंग माध्यम से घटना को दर्शाया और श्रद्धांजलि दिया। भविष्य में ऐसी घटना ना हो और अभिभावक अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में ना दाखिला कराएं जहां पर उनके बच्चों की सुरक्षा ना हो, ये बातें चित्रकार ने कही। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समकालीन चित्रकार डॉक्टर रेखा रानी शर्मा ने कहा। Thank you.
से संदेश ये है कि आने वाले समय में हर अभिभावक से सचेत होगा कि ऐसे ही स्कूल में डाले जहाँ सुविधा, जहाँ बच्चों को आने जाने की सुविधा अपने आप प्रोवाइड कराएं उस जगह, और हमेशा रेलवे क्रॉसिंग को देखें, क्योंकि बच्चे ही हमारे अमूल धन हैं। हम पैसे के पीछे भागते हैं लेकिन हमारा धन बच्चे ही होते हैं। आज हम बच्चों का संरक्षण सही ढंग से नहीं करेंगे तो ऐसे ही दशा होगी। तो इसके लिए हमको आज ही से जागरूक होना होगा और कम उम्र के लोगों को गाड़ी चलाने के लिए भी अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि और कान में हेडफोन लगाने की वजह से ये कांड हुई है। तो अगर कोई भी बाइक या गाड़ी चला रहा है और या पार कर रहा है और कान में हेडफोन लगाया है तो उनके प्रति भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुशीनगर के दुधई रेलवे क्रॉसिंग के पास एक पैसेंजर ट्रेन और स्कूली वाहन में हुए दुर्घटना में मारे गए बच्चों के लिए एक महिला सामाजिक संगठन के द्वारा शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गेट के समक्ष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्थान से जुड़ी महिलाओं ने हाथों में मोमबत्ती जलाकर बच्चों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। संस्थान के सदस्यों का कहना है कि प्राइवेट स्कूल व्यवसाय का केंद्र बन गया है जिसमें परिवर्तन की जरूरत है। इस अवसर पर प्रीति द्विवेदी, तुलिका त्रिपाठी, तनुश्री बनर्जी, रिंकी शर्मा, विनीता शालिनी सहित संस्थान की कई सदस्य मौजूद रहीं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रीति द्विवेदी ने कहा, आज यहाँ पे श्रद्धांजलि जा रही है उन बच्चों को जो कल दुर्घटना से ग्रसित हुए ड्राइवर की लापरवाही से। आपको पता है कि अपने गोरखपुर में जितने विद्यालय हैं कि वहाँ के जो अभिभावक हैं, जो कि दिन प्रतिदिन ये घटनाएं हमेशा होती रहती हैं। आपको पता है कि जब ये बच्चे पढ़ने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि एजुकेशन मिलेगा, वहाँ भविष्य उनका फ्यूचर मतलब होगा, ब्राइट होगा, बट इन दुर्घटनाओं को देखते हुए हमें नहीं लग रहा है कि उनका फ्यूचर ब्राइट होगा, क्योंकि आज का जो स्कूल जो है भी व्यवसाय बन गया है। आज का जो स्कूल है व्यवसाय बन गया है। व्यवसाय के साथ आपको बता दें कि जो बच्चे स्कूल में ऑटो में जाते हैं वो वैसे जिस तरीके से गाय बकरियों को भरा जाता है, मतलब उस तरीके से ऑटो में भर के बच्चे जाते हैं, इसकी लापरवाही का खामियाजा कल उन बच्चों को, मासूमों को भुगतना पड़ा जिनके घर के चिराग बुझ गए। उन माँ बाप से पूछा जाए कि क्या हुआ, किसको जिम्मेदार मानती है इसके लिए? सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ के अपने प्रशासन की भी हम नहीं देंगे, सबसे बड़ी जिम्मेदारी लापरवाही वहाँ क्रॉसिंग की है। क्रॉसिंग करें, अगर क्रॉसिंग गार्डन गिरा होता तो ये दुर्घटना वहाँ नहीं होती। लोकसभा चुनाव 2019 में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण तैयारियों तथा उसके सुधार के लिए मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशिक्षण दिया गया तथा उनको वोटर लिस्ट में मतदाताओं के नाम की फीडिंग करने सहित अन्य जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में SDM कैंपियरगंज गजेंद्र, खजनी के SDM दिनेश सहित अन्य अधिकारी व मतदाता पंजीकरण अधिकारी तथा सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी मौजूद रहे। जिस प्रकार से जो स्टेट है वहाँ पे जो बोली जाने वाली भाषा है उस भाषा में वो कॉल सेंटर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, साथ में जो वहाँ की लोकल रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी आप लोग कोई भी मतलब वहाँ पर बात कर सकते हैं, अपना मैसेज दे सकते हैं। ये मेरे ख्याल से ऑल वर्किंग डेज में वर्क करेंगे, ये कॉल सेंटर वर्किंग डेज में वर्किंग आवर्स में ही कार्य करेंगे। वो लिए जा सकते हैं एप्लीकेशन या फिर कॉल रिसीव किए जा सकते हैं, सजेशन में फीडबैक्स में इलेक्ट्रल किसी का मतलब मतदाता सूची है तो आइडेंटिटी कार्ड से कोई इशू है तो उसके बारे में उस पर अपना दे सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कोई इशू है, वेबसाइट या IT एप्लीकेशन से संबंधित कोई समस्या
जो नेशनल कॉन्टैक्ट सेंटर से जो कॉल्स आए हैं उनकी भी क्वेरीज और उनको रिजॉल्व करना स्ट्रक्चर जो उन्होंने उस पर बनाया हुआ है दैट इज मतलब सब जगह है कि नहीं है वो उसको इंश्योर करना है लॉज ऑल द कंपनीज ग्रीवांसेस इन द सेंट्रलाइज एनजीएस की सॉफ्टवेयर जो भी कंप्लेन किसी भी प्रकार की आ रही है लास्ट उसको एनजीएस के सॉफ्टवेयर पे देखना है मेंटेन लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट ऑफिसर्स जो डिस्ट्रिक्ट आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ से सीईओ ऑफिस से अक्सर इलेक्शन टाइम में और वैसे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉन्टैक्ट ऑफिसर्स के मांगे जाते रहते हैं अगर इनकेस कोई चेंज होता है या कुछ है वहाँ पर कम्युनिकेट किया जाता है वो उस कॉल सेंटर पर वो भी नंबर्स वहाँ पर अवेलेबल ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल के पूर्वोत्तर रेलवे के जोन के लिए पदाधिकारियों का चुनाव शुक्रवार को किया गया जिसमें संरक्षण के रूप में एसपी त्रिपाठी अध्यक्ष के रूप में रविंद्र कुमार सिंह उपाध्यक्ष के रूप में व तीन व्यक्ति आर ए खान सुनील कुमार और जेपी शर्मा सहित महामंत्री के रूप में शीतल प्रसाद चुने गए नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया गया उसके बाद गार्ड ए के श्रीवास्तव ने उपस्थित अपने सभी साथी गार्डों को संबोधित करते हुए रेलवे के द्वारा वेतन विसंगतियों एवं अन्य विषयों पर अपनी बातें रखी उन्होंने कहा ये संस्था सबसे पहले आगे बढ़कर के गार्डों की सुरक्षा करने के लिए गार्डों के डिमांड को पूरा कराने के लिए आगे बढ़ती है जैसा कि सेवन पे कमीशन जब आया तो हमारे गांवों में समस्याएं उठी सबसे पहली समस्या ये हुई कि जब फर्स्ट पे कमीशन से लेकर के सिक्स पे कमीशन तक गार्ड और एएसएम का बेसिक पे या ग्रेड पे समान हुआ करता था और सेवन पे कमीशन में किचन मास्टर को 4200 में ट्रांसफर कर दिया गया है और गार्ड को 2800 में रखा गया है ये बहुत बड़ी समस्या हमारे गार्ड कैटेगरी में उत्पन्न हुई बाद में यूनिफॉर्म का कपड़ा मिला फिर सिलाई चार्ज मिलने लगा लेकिन सेवंथ पे कमीशन ने ये यूनिफॉर्म देना बंद करके ड्रेस अलाउंस के रूप में अमाउंट देने के लिए घोषणा किया जिसमें गार्ड कटेरी को 5000 पर ईयर और स्टेशन मास्टर कटेरी को 10000 पर ईयर ये भी एक एनोमली है कि जब यूनिफॉर्म एएसएम और गार्ड का एक जैसा ही है दोनों व्हाइट पहनते हैं दोनों टाई लगाते हैं दोनों के यूनिफॉर्म चाहे वो समर वेकेशन का हो चाहे विंटर कौन सा वो कपड़ा सिलाएंगे जिसमें 10000 रुपया लगेगा और गार्डों को 5000 रुपया देना पड़ेगा। शुक्रवार को प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पालकी रथ यात्रा का शुभारंभ जटाशंकर गुरुद्वारे से रुस्तमपुर चौराहे पर बाबा जी की पालकी का भव्य स्वागत फूल मालाओं से सर पर पालकी को उठाकर भंडारी निवास पर लाया गया जहां गुरुद्वारे के रागी जत्था ने आदर सत्कार के साथ शब्द और अरदास शुरू किया गया 29 अप्रैल को अरदास का समापन किया जाएगा जहां प्रसाद के रूप में भंडारे निवास पर अटूट लंगर वितरण का आयोजन किया गया है गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गुरु गुरविंदर सिंह ने कहा नेच कर्म जना सुमूरक मन आजान ज्योतिष पावे समंदाम पहलाम अमन कुलोला गुड़का दिता देवन धाम गुरु प्यारी सात संग जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह ही गुरु दा लंगर परिवार वालों तैयार होएगा सारिया ने
लंगर छक के महाराज दियाँ खुशियाँ प्राप्त करनी है, नाले महाराज दियाँ खुशियाँ प्राप्त करनी है। परिवार वालों सारिया बेनती है कि वध चढ़ के पहुँच के उन्होंने गिरह विखे गुरबाणी सरवण करके अपना जीवन सफला करना है, नाले वधाई देनी है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं द्वारा चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को विदाई समारोह शुक्रवार को विभाग के सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर चितरंजन मिश्रा, प्रोफेसर रामदर्श राय, प्रोफेसर गणेश पांडे, प्रोफेसर मंजू त्रिपाठी, प्रोफेसर अनिल राय सहित कई छात्र छात्राएं मौजूद रहे। समारोह का शुभारंभ छात्राओं द्वारा कुल गीत की प्रस्तुति कर किया गया, जिसके बाद अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। इस मौके पर शिक्षकों ने भी छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। जो विद्यार्थी रोज आते हैं उनका स्वागत थोड़ा कम भी करूं, लेकिन जो कभी कभी आते हैं उनका ज्यादा स्वागत। और हमारे विभाग के छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए गोरखपुर के प्रेस के जो भी प्रतिनिधि आए हुए हैं, छायाकार आए हुए हैं, मैं उन सब लोगों का भी इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है जीवन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। मुलायम बड़बू सुगना से मर के भूले का इतना लपटाइल बड़ा सगरे ज्ञान भुलाइल बड़बू जेकर डाड़ी पाती से ढंग कोनो रूप न कोनो रंग, जेकर डाड़ी पाती बे ढंग कोनो रूप न कोनो रंग, ओकरी झुमका पर तू का इतना बौराइल बड़ा सगरो ज्ञान भुलाइल बड़ा। सब फेरन से भर के राहे कितना भर गुमान बा, सब धरती के झुक झुक झूमे छुवत आसमान बा, जेकर ऐसन ओछ विचार अलगा बिलगी के व्यवहार, जेकर ऐसन ओछ विचार अलगा बिलगी के व्यवहार, ओकरे बातिन में तू इतना भरमाइल बड़ा सगरे ज्ञान भुलाइल बड़ा। डाड़ी डाड़ी बुनगी बुनगी मोजरी महके आम के, जरी से पुली को जवाब भूले रसवर से बेदाम के, जेकर ऐसन सब सिंगार मोहबर निशावर संसार, जेकर ऐसन सब सिंगार मोहबर निशावर संसार, ओके छोड़ के यहाँ कहाँ बिलाइल बड़ा सगरे ज्ञान भुलाइल बड़ा, सुज्ञान भुलाइल बड़ा, सगरे ज्ञान भुलाइल बड़ा। कॉमनवेल्थ गेम गोल कोष से प्रतिनिधित्व कर रहे भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष आंदेश्वर पांडे और निदेशक खेल उत्तर प्रदेश डी डॉक्टर आर पी सिंह का शुक्रवार को महानगर में आगमन हुआ।
रेलवे स्टेशन रोड स्थित एक होटल में पहुंचे क्रीड़ा अधिकारियों का क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी AK पांडे, हैंडबॉल प्रशिक्षक रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम नफीस अहमद और रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के अन्य खेल प्रशिक्षकों ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच व यश भारती लेफ्टिनेंट लाल बच्चन यादव, जिला अध्यक्ष नौकायन राणा राघवेंद्र सिंह, यूपी हॉकी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरीश सिंह और एशियन कुश्ती के पूर्व खिलाड़ी रामाश्रय यादव उपस्थित रहे। इस मौके पर अतिथियों ने कहा कि अगर खिलाड़ी खेल में अपनी प्रतिभा दिखाए और पढ़ाई के साथ साथ खेल में रुचि ले तो सम्मानजनक नौकरी मिलेगी और समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कोषाध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के आंदेश्वर पांडे ने कहा, हमने कहा कोई इश्यू नहीं, आप सब लोग ध्यान रखिए, श्री आंदेश्वर पांडे जी भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष, भारतीय हैंडबॉल संघ के महासचिव, उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के महासचिव, उन लोग जाने क्या किया पंडलाल जी, रामाश्रय जी, सॉरी आप यश भारती डायरेक्टर साहब, हॉकी यूपी के भी सेक्रेटरी, भारतीय हॉकी टीम के चयनकर्ता, निदेशक खेल उत्तर प्रदेश, आप दोनों लोग विशेष करके परिचय देने का, यहाँ बुलाने का मकसद ये था, बुलाने नहीं आमंत्रित करने का मकसद ये था कि आप लोग दोनों भारतीय टीम से जो राष्ट्रमंडल खेल अभी आयोजित हुआ है उसमें आप दोनों लोग भारतीय टीम के सदस्य थे, राष्ट्रमंडल में गोल्ड कोस्ट थे। तो हम लोगों ने अनुरोध किया कि सर आप लोग वहाँ पर जो कुछ देखे हैं किए हैं तो थोड़ा यहाँ की जनता के बीच में अखबार के माध्यम से शेयर करें, तो इसलिए हम लोगों ने आमंत्रित छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि सब लोगों को इस बात की जानकारी हो कि वहाँ आपके आपको कैसा अनुभव रहा। बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, बाकी सब बोलेंगे। देखिए मैं सबसे पहले तो बहुत सी नई नई चीजें देखने को मिलती है और खासतौर से बड़े आयोजन में आयोजन कैसे होता है, फिर वो जो खिलाड़ी टॉप क्लास के आते हैं उन सबसे भी बात करने का मौका मिलता है, उनके कोचेज से मिलता है, मैनेजर होते हैं तो कैसे उनके एक्सपीरियंस है या जो यहाँ के लोग हैं जो खेल के क्षेत्र में जो जुड़े हुए लोग हैं सबको मिल करके हम किसी एक खेल की बात नहीं करते, खेल रहते हैं। तो जैसे सभी खेलों में हम पार्टिसिपेट करें और पार्टिसिपेट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा देश के लिए प्रदेश के लिए पदक लाएँ उसके बारे में हम सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। जो पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं उनको गोल्ड पे 50 लाख रुपया, सिल्वर पे 30 लाख, कांस्य पे 15 लाख, इसके साथ साथ नौकरी में भी राजपत्रित पद पे दिए जाने की व्यवस्था है। इस साल उदीयमान खिलाड़ी हैं तो अगर पदक प्राप्त करते हैं तो एक तो ऐसा भी है साथ में साथ राजपत्रित पद पे नियुक्ति भी। नियुक्ति में भी ऐसा नियम बनाया गया है कि अगर मान लीजिए ग्रेजुएट जब तक नहीं होंगे तब तक आप राजपत्रित पद के नहीं आ सकते, लेकिन ऐसा नियम बनाया गया कि हम ज्वाइनिंग आज आपकी करा देंगे, 4 साल तक आपको मौका देंगे, 4 साल में आप ग्रेजुएट हो जाइए, ज्वाइनिंग उसी दिन हो जाएगी। ये बहुत बड़ा सरकार कैश प्राइज दे रही है, किसी कारण से मान लीजिए कि कोई खिलाड़ी अच्छी नौकरी नहीं पाया और वंचित रह गया, अगर सीनियर नेशनल इंडिया टीम से कभी टूर किया अंतर्राष्ट्रीय में चला गया तो उसको प्रतिमाह पेंशन की भी व्यवस्था है। तो केवल आप स्टेट खेलते हैं तो समझिए कि आपको 4,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से मिलता है, कोई टेस्ट मैच खेल लिए पांडे जी तो 6,000 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभा केवल कभी तो 10,000 रुपया मंथ है, ये हम दे रहे हैं। और यूपी स्टेट एक ऐसी स्टेट है कि जैसे जो द्रोणाचार्य हैं, पद्मश्री हैं या अर्जुन पुरस्कार विजेता खेल रत्न अगर किसी को मिला है तो प्रतिमाह 20,000 रुपया हम दे रहे हैं। तो खिलाड़ियों के लिए कह सकते हैं कि अब काफी कुछ हो रहा है और हम लोग को जितना हो सकता है खेलों में स्कूलों को जोड़ करके ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी हमारे ग्राउंड पे आए, कुछ लोग जो खेल से जुड़े हुए स्कूलों में भी जाए,
पहले दिन बहुत से लोगों को नहीं मालूम है स्टेडियम में आने में बच्चे करते हैं कि वहाँ कैसे एडमिशन होगा, क्या होगा, वहाँ लेंगे कि नहीं लेंगे, तो बहुत से प्रचार प्रसार एक आप लोग एक ऐसे माध्यम है कि जब आप ये बताते हैं तो अपने आप लोगों को पता लगता है स्टेडियम में जो जो कैंप चलते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी आ रहे हैं। तो यही है, मैं तो इतना ही कहूँगा। बाकी रामाश्रीफ मेहमान चूंकि यहाँ रहते ही हैं, चाहते हैं कि एक्टिविटी जो है वो खेलों की बढ़े और ये एक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, थोड़ा संगठन जरा मजबूत होगा। और जब तक गांव का बच्चा, हर स्कूल का बच्चा खेलना नहीं शुरू करेगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पदक नहीं प्राप्त होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने के लिए 2.5-3 साल के बच्चे को ही स्पोर्ट्स की तरफ उसको प्रेरित करना पड़ेगा और ये काम अब धीरे धीरे हो रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार और खेल संगठन ये तीनों मिलकर इसमें आगे कदम बढ़ा रहे हैं। इसका असर रातों रात नहीं आएगा, 2-3-4 साल के अंदर ये एक धरे पर आ जाएगा और वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही पूरी हो जाएगी। सर, जैसे ओलंपिक में जो खिलाड़ी जाते हैं हमारे गोरखपुर से, सर उस तरह की ये तो नहीं, गोरखपुर से भी जाते हैं, गोरखपुर के भी खिलाड़ी अगर है पूर्वांचल के, केवल गोरखपुर के नहीं, गोरखपुर में प्रैक्टिस की उतनी उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं नहीं है। जो भी है सरकार नौकरी यहाँ के खिलाड़ी भी है तो बाहर से जाके खेलते हैं। ओलंपिक में गए देवरिया के लड़का संजीव सिंह है, क्या वजह अक्सर बाहर जाना पड़ता है खिलाड़ियों को, नौकरी नहीं मिलती। अब गए अधिकारी राज्य सरकार ने घोषित कर दिया राजपत्रित अधिकारी बनाने के लिए, अब हमारे खिलाड़ी रहेंगे प्रदेश में, वहाँ नौकरी पाएंगे, प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे और आने वाले दिशा में चलेंगे। अभी बहुत से बच्चे हमारे हैदराबाद के और गेमों के रेलवे में भर्ती हुए हैं, रेलवे के उनमें नौकरी मिली है, NDR ने जो नौकरी दिया है, तो वो आएंगे धीरे धीरे, वो उठ के आएंगे। सवाल है कि जो शून्य था अब धीरे धीरे वो अप हो रहा है। महिला सुरक्षा, महिला खेल के लिए सर क्या करेंगे महिलाओं के, महिलाओं सबसे ज्यादा आजकल महिला ओलंपिक में एशियन गेम में हर जगह पदक दे रही है और निश्चित है कि आने वाले दिनों में महिलाओं से हम ओलंपिक में ज्यादा मेडल की उम्मीद करते हैं। पिछले बार रियो ओलंपिक में भी मैं देखी थी कमीशन था, उस समय भी 2 पदक मिले थे सचिन मलिक और PB संधू का, वो दोनों महिलाएं थी। तो हमारे महिलाओं में दम है, सिर्फ उनको निखारने की जरूरत है और उनको घर से निकालने की जरूरत है। देखिए सुरक्षा को आपको सख्त करना पड़ेगा, आप बहुत ज्यादा कानून भी बन रहे हैं, अगर सशक्त होंगे उस बारे में हर जगह आ गया है सेक्सुअल हरसमेंट का, हर एसोसिएशन फेडरेशन हर जगह एक अलग कमेटी बना रही है और उस पर नियंत्रण रखेगी, जो भी पाएगा दोषी उसे कठोर से कठोर सजा मिलेगी। तो हम अब ये समझते हैं कि अब माहौल बन रहा है खेलों के मन और लड़कियों के मन में सुरक्षा की भावना भी जागृत हो रही है। शुक्रवार को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर अंडर 19 सिलेक्शन का तीसरा मैच गोरखपुर ए और देवरिया के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए देवरिया का टीम निर्धारित 45 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 179 रन बनाई। देवरिया की तरफ से विवेक सिंह ने सर्वाधिक 76 रनों की पारी खेली। 180 रनों का पीछा करने उतरी गोरखपुर ए क्रिकेट टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। गोरखपुर की तरफ से विजय यादव ने सर्वाधिक 50 रनों की पारी खेली। आज के लिए इतना ही, अब जाते जाते डालते एक नजर आज की हेडलाइन पर। निशुल्क विद्युत कनेक्शन देने में लाभार्थी से 25-25 मीटर तार देने पर भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ल ने लिया संज्ञान, प्रकरण की जांच के लिए CDO को दिया निर्देश। स्कूली बच्चों की मौत से सहमा गोरखपुर, शुक्रवार को खुद ही गार्जियन लेकर पहुंचे अपने बच्चों के स्कूल, कहा डर लगता है अब स्कूली ड्राइवरों से। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समारोह के जिलाधिकारी ने की समीक्षा, विधि विधान से विवाह संपन्न कराने के दिए निर्देश।
पूर्वोत्तर रेलवे की 3 सदस्यीय टीम करेगी कुशीनगर घटना की जांच, 9 दिनों के भीतर देगी रिपोर्ट। CPRO संजय यादव ने दी जानकारी। सिटी मॉल में ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को दी यातायात नियमों की जानकारी। SP ट्रैफिक ने कहा, थोड़ी सी लापरवाही बन सकती है दुर्घटना का कारण। जिलाधिकारी ने BRD मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। निर्माण कार्यों के धीमी गति पर जताई नाराजगी। अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन है जारी। DM को सौंपा ज्ञापन। 13 बच्चों के दर्दनाक मौत की पेंटिंग के माध्यम से दी गई श्रद्धांजलि। चित्रकार ने उकेरा मार्मिक घटना का सजीव चित्रण। 1 महिला सामाजिक संगठन के सदस्यों ने मोमबत्ती जलाकर कुशीनगर घटना में मारे गए मासूम बच्चों को दी गई श्रद्धांजलि। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कलेक्ट्रेट सभागार में मतदाता पंजीकरण तथा सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को दिया गया प्रशिक्षण। ऑल इंडिया गाइड काउंसिल के पूर्वोत्तर रेलवे के जोनल पदाधिकारी का हुआ चुनाव संपन्न। प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आदर सत्कार के साथ की गई शब्द और अरदास। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के छात्र छात्रों को दी गई विदाई। उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक RP सिंह ने किया ऐलान, खिलाड़ी खेल में दिखाई अपनी प्रतिभा, मिलेगी अच्छी नौकरी और सम्मान। और अंडर 19 सेलेक्शन मैच में गोरखपुर ए ने देवरिया को 2 विकेट से हराया। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।